34 वर्ष के व्यक्ति हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीवन में और अच्छी खुशियाँ किस प्रकार मिलेंगी, क्योंकि वर्तमान में ये बहुत सारी समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो इनको दाम्पत्य की आ रही है, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी उस उनसे दुराव हो गया है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई दूसरी संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम समझे कि दुराव क्यों हो रहा है। मैरिज लाइन को देखिए, मैरिज लाइन इनकी बहुत अच्छी स्पष्ट बनी है, जो दिखा रही है कि एक अच्छी मैरिज 35 साल के बाद होगी या करीब करीब 35 के आसपास होगी। ऊपर की जो लाइन है, इस तरह का पैटर्न जब कोई भी लाइन बनाती है ठीक हमारी मैरिज लाइन के ऊपर, तो ये बहुत सारी दिक्कत एक साथ देकर जाती है। यही मैरिज लाइन अगर लंबी हो और सूर्य पर्वत तक निकल जाए, तब दुल्हन बहुत अच्छी आती है, पैसे वाली भी आती है, दूरस्थ स्थान से आती है और बहुत प्रभावशाली आती है। तो इनका जो ये पैटर्न बना है, इसके कारण इनको दिक्कत है। विवाह के लिए हमें गुरु को और देखना चाहिए। तो गुरु के पर्वत पर भी इस प्रकार की मंगल लाइन देखिए, यहाँ से मंगल की तरफ से, ये मंगल का पर्वत है, मंगल पे तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस दिख रहा है, और इस प्रकार ये आइलैंड बनाकर अगर ये शनि पर्वत तक पहुँचेगी तो बहुत सारी दिक्कत एक साथ आएगी। शनि पर्वत जब भी गड़बड़ होगा तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि हमें हर अच्छी चीज़, हर मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे बहुत अच्छा हमारा सुख हो, तो ये हमें शनि ही देंगे। अब शनि पर्वत पर देखिए, यहाँ पर एक आइलैंड भी बन गया है और यहाँ से एक मंगल लाइन, जो दूसरी मंगल लाइन है, इस प्रकार आगे बढ़ी है। तो ये भी एक जो शनि और मंगल, इसका एक बैड कंजंक्शन बनाती है। शनि पर्वत को समझिए, शनि पर्वत पर एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी आइलैंड लेके बैठी है लाइन। नीचे की तरफ देखें तो इधर भी ये लाइन इस प्रकार चल रही है, और फिर उसके बाद में ये लाइन की कंटिन्यूटी इस प्रकार मिलती है। जब भी भाग्य रेखा अगर माइंड लाइन के, ये हमारी माइंड लाइन है, इसके पहले आकर रुक जाती है, तो जीवन में एक चीज़ रहेगा कि भ्रम की स्थिति बहुत सारी हो जाएगी। लग लाइन को समझिए, लग लाइन जब भी शुक्र के पर्वत से निकलेगी, तो ये दुल्हन का तो बहुत अच्छा योग बनाती है। दुल्हन बहुत पैसे वाले परिवार से आती है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये जो लाइन है, ये टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार बीच में आके पूरी तरह ख़त्म हो गई है। जब भी हमारी लग लाइन बीच क्षेत्र में आके ख़त्म होती है, देखिए यहाँ पर आके जो ख़त्म हुई है, तो यहाँ देखिए राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस प्रकार यहाँ पे क्रॉस बना है, यहाँ पे ऊंचा हो गया है ये क्षेत्र। अब देखिए कि जब राहु के ऊपर अगर कट लगा है या ऊंचा बन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि केतु भी गड़बड़ हो गए हैं, केतु पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र कभी भी दबा हुआ नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार ये जो लाइन है केतु तक निकली है, तो ये केतु को बहुत ज़्यादा खराब करती है। सबसे बड़ी बात है कि ये समस्या इनकी ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पुरानी है, ये इनकी समस्या काफ़ी सालों पुरानी है। तो केतु को अच्छा करना चाहिए, ये वाला क्षेत्र उठा हुआ होना चाहिए हमारी हथेली में, नहीं तो जीवन में बहुत सारी भ्रम की स्थिति बनती है। अगर हम इनकी विवाह के लिए तीसरा मणिबंध देखें तो वो पूरा गायब नज़र आ रहा है। अब करियर के लिए ये दूसरा होना चाहिए जो ठीक बना है, और पहला हमारा व्यक्तित्व है, ये भी इनका ठीक जा रहा है, लेकिन पहले और दूसरे के बीच में इस प्रकार कोई भी अन्यथा लाइन नहीं होनी चाहिए, ना यहाँ पर आइलैंड होना चाहिए। अब इन्होंने ये पूछा है कि फैमिली बिजनेस या हमारा खुद का बिजनेस किस प्रकार अच्छा चलेगा। तो इनकी जो बिजनेस लाइन अगर हम देख रहे हैं, तो बिजनेस लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है, इस क्षेत्र में क्रॉस लगा हुआ है, बिजनेस लाइन यहाँ से निकलेगी इस प्रकार। तो यही क्षेत्र बहुत महत्व का है, ये क्षेत्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब देखिए जो प्रॉब्लम इनको मैरिज की आई है या जो फाइनेंस की आ रही है, इस प्रकार का मंगल का पर्वत यहाँ से नहीं उठा होना चाहिए। मंगल का पर्वत ये पर्वत है, अब अगर इस तरफ से उठेगा और इस तरफ से दबेगा, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है फाइनेंस की और विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम देगा। इनकी जो मंगल लाइन है वो बहुत अच्छी जा रही है, और आगे जाके ऊपर एक क्रॉस भी बन गया है। तो इस प्रकार से मंगल बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो गए हैं नेगेटिवली। राहु पहले ही ज़्यादा नेगेटिव है, तो मंगल और राहु की इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। केतु में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। केतु के साथ में एक प्रॉब्लम और होती है कि जब भी केतु खराब होते हैं तो बगल के चंद्रमा, देखिए यहाँ पर डिप्रेशन है, और जो शुक्र है उसको भी ये प्रभावित करते हैं, लेकिन शुक्र का पर्वत अभी भी बहुत अच्छा पावर दे रहा है। अब इनका ये है कि क्या मेरी दूसरी जो मैरिज है वो सफल रहेगी या नहीं। तो देखिए, जब पहली ही गड़बड़ हो जाती है तो हमें समझना चाहिए, जब हमारा बुध के पर्वत पे प्रॉब्लम है, जब गुरु पे प्रॉब्लम है, तीसरा मणिबंध गड़बड़ है, और इस प्रकार मंगल उठे हुए हैं और राहु यहाँ से उठे हैं, हमारी लाइन गड़बड़ हो गई है, तो एक साथ बहुत सारी जगह पे हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। अब यदि हम बात करें कि एक अच्छे बिजनेस के लिए, एक अच्छे फाइनेंस के लिए शनि पर्वत पर एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए, तो ये जो लाइन है ये हमें कोशिश करना चाहिए कि यहाँ तक शनि पर्वत तक पहुँच जाए। इनके माइंड की क्या स्थिति है? माइंड लाइन इनकी बहुत सॉलिड है, पूरी हथेली के अक्रॉस जाती है। माइंड लाइन के ऊपर यदि कहीं पर भी इस प्रकार अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो ये हमें स्थापना दिखाता है। ऐसे व्यक्ति एक स्थापना करते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं। अब ये जो है ये तो काफ़ी लेट एज में दृष्टिगत हो रहा है, लगभग 58-60 साल के आसपास। तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमारी वर्तमान उम्र 34 वर्ष है, तो इसके अंदर जो हमें रेमेडी करना चाहिए, सबसे पहले मंगल राहु भगवान की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंगारक स्थिति बना रहा है, और केतु। तो केतु जब भी गड़बड़ होते हैं, तो मैंने खुद ही आपको पहले आरंभ में बताया है कि चंद्रमा को गड़बड़ करते हैं, सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ते हैं, तो केतु और चंद्रमा की ये भी रेमेडी कर लेना चाहिए। जब ये चार रेमेडी हो जाएगी तो इनका हाथ बैलेंस हो जाएगा। ये रेमेडी करने के बाद भी जो इनके बेसिक मंत्र हैं वो एक लंबे समय तक इनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सवेरे सूर्य उदय के पहले करना चाहिए। इनके हाथ में अभी जो धन की स्थिति है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कब तक ना करें? जब तक शनि पर्वत क्लियर नहीं हो जाए। पिता के अगर हम हिसाब से देखते हैं, इनके पिता, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि पिता के बिजनेस में भी क्या हम जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सूर्य लाइन भी डिस्टर्ब होकर टेढ़ी चल रही है, और यहाँ पर कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, तो सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल हो रही है। इनको इनके पैतृक संपत्ति जरूर मिलेगी, ये लाइन बता रही है। ज्ञान की लाइन अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा वीक पड़ती है यहाँ पर। यहाँ पर अगर इस प्रकार की लाइन होती है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आगे आगे बढ़ता है, तो ये वाली लाइन भी इनकी वीक हो रही है। तो इनको चार रेमेडी करना चाहिए, राहु मंगल और केतु चंद्रमा की। और इसके मैंने जो बोला कि इनके बीज मंत्र एक लंबे समय तक इनको सुबह सुबह करने पड़ेंगे। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।